मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बहुचर्चित कोतवाली पत्थर कांड और पुलिस में की विवेचना और आरोपियों की गिरफ्तारियों का क्रम लगातार जारी है। गुरुवार को एक बार फिर जिला पुलिस ने पत्थरबाजी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक नाबालिग किशोर शामिल है। जानकारी के अनुसार पकड़े गए दोनों आरोपी भेष बदल कर शहर में घूम रहे थे, जिनकी पहचान होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने अभी तक 45 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आज थाना कोतवाली में जारी विवेचना में दो और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक का नाम है फारूक राइन और दूसरा विधि विरुद्ध किशोर है। इन दोनों को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया है। इन दो को मिला के अब तक गिरफ्तारियों की संख्या 45 हो चुकी है। इसके बारे में ये भी है कि ये आरोपी जो है तो अभी इतने दिनों से अपना भेष बदल कर घूम रहे थे। किसी ने अपने बाल छोटे करा लिए, किसी ने अपने कपड़े पहनने का तरीका बदल लिया, इस तरीके से ये लोग अपना भेष बदल बदल कर रहे थे। और भी नामों के खुलासे हो रहे हैं, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।